आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल कचौरी। कचौरी की रेसिपी आपने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन मेरी मूंग दाल कचौरी बनाने का तरीका अलग है। यह तरीका आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। कचौरी की स्टफिंग, कचौरी का आटा, कचौरी को तलने का तरीका एकदम डिफरेंट है, जिससे आपकी कचौरी एकदम फूली फूली बनकर तैयार होगी। फूली फूली कचौरी को आप एक या दो दिन नहीं, पूरे 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। आपकी कचौरी बिल्कुल भी मुलायम नहीं होगी, फूली फूली कुरकुरी बनी रहेगी। आलू की सब्जी के साथ मूंग दाल कचौरी की रेसिपी बहुत ज्यादा औसम है। तो चलिए देर से बात किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कचौरी की स्टफिंग बनाने के लिए पैन में डालना है 2 बड़े चम्मच तेल। तेल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ। 1/2 छोटी चम्मच जीरा लेना है। स्वाद के लिए 1 बड़ा चम्मच हरी सौंफ। 2 बड़े चम्मच पानी में भीगी हुई मूंग की दाल। 25 ग्राम मूंग की दाल को पानी में 2 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ देना है, जिससे कि दाल सॉफ्ट हो जाए। पानी में से निकाल करके मूंग की दाल को डालना है पैन में। मीडियम फ्लेम पर दाल को 1 मिनट के लिए भूनना है। स्टफिंग बनाने के लिए दाल को मिक्सी में घुमाकर दरदरा नहीं करना है, पहले इसको भूनना है। हल्का सा भूनने से दाल पक जाएगी। 1 मिनट दाल के भून जाने के बाद गैस की फ्लेम को लो करके इसमें डाल देना है 1/4 कप बेसन, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, 1/2 छोटी चम्मच सफ़ेद नमक। काले नमक को स्किप करके कुल मिलाकर 1 छोटी चम्मच सफ़ेद नमक ले सकते हैं। काले नमक से स्टफिंग में नमक का फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा बनकर आता है। लो फ्लेम पर बेसन को मिक्स करते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भूनना है। बेसन को मिक्स करते हुए मुझे मिश्रण सूखा लग रहा है, मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल और डालूंगी। तेल डालने से बेसन अच्छे तरीके से भून जाएगा। बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है, अब मैं इसको 1 से 1.5 मिनट तक भूनने वाली हूँ। गैस की फ्लेम लो रखनी है, जिससे कि बेसन जले नहीं। हल्का सा भून जाने के बाद गैस को बंद कर दिया है। 1/2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर लेना है। 1/2 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये खाने में कम तीखी होती है, कलर देने का ज़्यादा काम करती है। कश्मीरी मिर्च को स्किप करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। 1/2 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी लेनी है। 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हींग। बंद गैस में इन सभी मसालों को आपस में मिक्स करते हुए गर्म पैन में ही इन सबको हल्का सा भूनना है। हल्का सा भून जाने के बाद दाल वाले मिश्रण को कर देना है बाउल में। मिश्रण अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, ठंडा होने के लिए रखूंगी। ठंडा हो जाने के बाद मैं इसको मिक्सी में घुमाऊंगी और कचौरी के लिए पिट्ठी बनाकर तैयार करूंगी। जितने दाल वाला मिश्रण ठंडा होगा, इतने मैं कचौरी के लिए आटा गूंथ कर तैयार करूंगी। मूंग दाल खस्ता कचौरी बनाने के लिए लेना है 2 कप मैदा। 2 कप मैदा यानी कि 250 ग्राम मैदा। मैदा को मैंने पहले से ही छान कर रखा था। 250 ग्राम मैदा में 9 से 10 मूंग दाल खस्ता कचौरियाँ बनकर तैयार होएगी। इसी के हिसाब से स्टफिंग बनाकर तैयार की है। स्टफिंग न तो आपकी कम रहेगी और न ही ज़्यादा बचेगी। मैदा के बीचों बीच सेंटर में करना है छोटा सा गड्ढा। इस गड्ढे में डालना है 1/4 कप तेल। तेल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ। तेल को मिक्स करने से पहले तेल में ही डाल देना है थोड़ा सा पानी। यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी लिया है। सारा पानी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा पानी बचा कर रखूंगी। 1/4 कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाल करके तेल और पानी को करना है मैदा के साथ अच्छी तरीके से मिक्स। मिक्स करके इसका मुलायम आटा गूंथ कर तैयार करना है। पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं 1/2 कप में बचे हुए पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। पानी लेते समय मैंने 1/2 कप को ऊपर तक नहीं भरा, थोड़ा सा कम लिया है। 100 ग्राम पानी लेना है। आज मैं मूंग दाल खस्ता कचौरी, जिसको आलू की सब्जी के साथ सर्व किया जाता है, उस कचौरी को बनाकर तैयार कर रही हूँ। मूंग दाल या उड़द दाल खस्ता कचौरी ऐसी भी होती है, जिसको शादियों में भाजी देने के लिए बनाया जाता है। शादी में बनने वाली खस्ता कचौरी खस्ता होती है और आलू की सब्जी के साथ सर्व होने वाली खस्ता कचौरी कुरकुरी होती है। खस्ता कचौरी में यूज होने वाली सामग्री के लिए मैंने 250 ml मेजरमेंट कप सेट यूज किया है। मूंग दाल खस्ता कचौरी ठंडी हो जाने के बाद और 15 से 20 दिन रखने के बाद भी कुरकुरी बनी रहे, इसलिए मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। नमक जो होता है वह बाद में पानी छोड़ता है, इसलिए खस्ता कचौरी ठंडी हो जाने के बाद मुलायम हो जाती है। आप खुद ट्राई कीजिएगा नमक के साथ और बिना नमक के साथ। आपकी खस्ता कचौरी बिना नमक के 15 से 20 दिन आसानी से कुरकुरी बनी रहेगी। आपने गोलगप्पे तो देखे होंगे, गोलगप्पे में भी नमक नहीं डलता, इसलिए गोलगप्पे कुरकुरे रहते हैं। ये देखिए, आटे को मुलायम करने के लिए मैंने कुल मिलाकर 100 ग्राम पानी डाल दिया है। पानी डाल करके आटे को 5 से 10 मिनट के लिए मसलना है। आटा चिकना हो जाए, आटा फटाफटा सा ना रहे। आटे को जितना ज़्यादा मसलोगे, खस्ता कचौरी उतनी ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ बनकर तैयार होएगी। आटे को अच्छे से चिकना करने के लिए मैं इसको 5 से 10 मिनट मसलने वाली हूँ। मसलने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ी देर मसलने के बाद आटा चिकना हो गया, आप देख सकते हैं। आटे को रखना है बाउल में। बाउल में रख कर इसके ऊपर कपड़ा ढक कर इसको मैं प्लेट से ढक दूंगी।
प्लेट से ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए रखा छोड़ देना है। जितने आटा फूलेगा इतने मैं स्टफिंग की पिट्ठी बनाकर तैयार करूंगी। स्टफिंग ठंडी होगी, मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खस्ता कचौरी को फुलाने का काम करता है। बेकिंग सोडे को अच्छे से मिक्स करके मैं इसको मिक्सी में घुमाऊंगी। मिक्स करके मिक्सी में घुमाने के लिए इसको करना है मिक्सी के जार में। दरदरी पिट्ठी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच पानी। पानी डाल करके इसको मिक्सी में घुमाना, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं पानी इसमें और डालूंगी। मिक्सी में घुमाकर इसका दरदरा मिश्रण बनाकर तैयार करना है। आधा मिनट मिक्सी में घुमाने के बाद मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करती हूँ। अगर मुझे स्टफिंग वाली पिट्ठी टाइट लगेगी तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। पिट्ठी की कंसिस्टेंसी आटे के हिसाब से रखनी है। आटा मुलायम है तो पिट्ठी भी हमें थोड़ी सी मुलायम रखनी है। स्टफिंग हार्ड रहेगी और आटा मुलायम रहेगा तो खस्ता कचौरी को तलते समय खस्ता कचौरी फट जाएगी। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि स्टफिंग मुलायम है और आपका आटा टाइट गुथा हुआ, ऐसा करने से भी खस्ता कचौरी फट जाती है। यहाँ पर स्टफिंग और गुथे हुए आटे की दोनों की कंसिस्टेंसी सेम रखनी है। मुझे थोड़ी सी स्टफिंग टाइट लग रही है, मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच पानी और डाल रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच पानी डाल करके मैं इसको फिर से मिक्सी में घुमाऊंगी और दरदरी स्टफिंग बनाकर तैयार करूंगी। मिक्सी में हल्का सा घुमाने के बाद इसको कर देना है बाउल में। आप देख सकते हैं स्टफिंग ना तो बहुत ज़्यादा टाइट है और नहीं बहुत ज़्यादा मुलायम है। बाइंडिंग भी बहुत ही अच्छी बनकर आई है। मुलायम आटे की कंसिस्टेंसी के हिसाब से पिट्ठी की कंसिस्टेंसी भी एकदम मुलायम रखनी है। आटे को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। आटा चिकना और फुलावट वाला हो गया है। आटे में फुलावट आने के बाद आटे की एक साइज की लोइया तोड़कर तैयार करनी है। लोइया तोड़ने का तरीका आप देख सकते हैं। इस तरीके से तोड़ने से एक ही साइज की लोइया बनकर तैयार होंगी। ये देखिए, इस आटे से 9 लोइया बनकर तैयार हुई है। हर एक लोई का वजन करीब करीब 45 ग्राम है। लोइया बन जाने के बाद अब मैं पिट्ठी के छोटे छोटे गोले बनाकर तैयार करूंगी। एक साइज के गोले बनाने के लिए आप स्पून भी ले सकते हैं या फिर अंदाजे से इसके छोटे छोटे गोले बनाकर तैयार कर सकते हैं। जितनी आटे की लोइयां उस हिसाब से इसके गोले बनाकर तैयार करूंगी। लोई के हिसाब से स्टफिंग के गोले साइज में छोटे होने चाहिए, नहीं तो आपकी खस्ता कचौरी फट सकती है। 9 आटे की लोइयों के हिसाब से 9 स्टफिंग गोले बनकर तैयार हो गए हैं। हर एक स्टफिंग गोले का वजन करीब करीब 15 ग्राम है। इन सब के बाद लेनी है आटे की लोई, लोई के अंदर रखनी है स्टफिंग। स्टफिंग रखने से पहले लोई के किनारों को पतला करते हुए इसको फैलाना है। किनारों को पतला करते हुए चारों तरफ को हल्का हल्का फैलाते हुए इसके बीचों बीच रखनी है स्टफिंग। स्टफिंग को रखकर इसको चारों तरफ से कवर करते हुए इसके मुंह को बंद कर देना। मुंह बंद करते समय आटे के किनारे चारों तरफ से अच्छी तरीके से चिपक जाने चाहिए, जिससे कि आपकी खस्ता कचौरी तेल में तलते समय इसका मुंह खुले नहीं। स्टफिंग से भरी आटे की लोई को बनाने के बाद चेक करना है कि कहीं पर क्रैक तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इस तरीके से इसके मुंह को चारों तरफ से कवर कर दिया है। कवर करने के बाद जो ऊपर को हल्की सी मैदा उसको तोड़ देना है, जिससे कि जॉइंट अच्छी तरीके से चिपक जाए। और हाथों की सहायता से स्टफिंग वाली लोई को हल्का हल्का सा हाथों की सहायता से दबाना है। हाथों से हल्का हल्का दबा करके इसी तरीके से और सभी आटे की लोइयों को स्टफिंग के साथ बनाकर तैयार करना है। मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, आटे की एक को लोई ले रही हूँ। पहली लोई में जो आटा निकला था उस आटे को लगा देना है इसके बीचों बीच सेंटर में। किनारों को पतला करते हुए लोई को चारों तरफ को हल्का हल्का फैलाना है। फैलाने के बाद इसके बीचों बीच सेंटर में रखनी है स्टफिंग। स्टफिंग रखकर इसके मुंह को बंद करना है। इसके किनारों को आपस में चिपकाना है अच्छे तरीके से। किनारों को आपस में चिपकाते समय एक भी क्रैक नहीं दिखाई देना चाहिए। बिना क्रैक के साथ इसी तरीके से स्टफिंग और आटे की पैड़ियां बनाकर तैयार करनी है। दोस्तों, आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कुकिंग और बेकिंग क्लासेज चल रही हैं। उन सभी क्लासेज को देखने के लिए आपको बहुत सारे रुपए पैसे खर्च करने होते हैं, लेकिन आप उन सभी कुकिंग और बेकिंग क्लासेज को सेम रेसिपी के साथ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। उन सभी कुकिंग और बेकिंग क्लासेज को देखने के लिए आपको रुपए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे सभी रेसिपियाँ आपके लिए एकदम फ्री हैं। ये देखिए, सारी स्टफिंग वाली पैड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। खस्ता कचौरी को तलने से पहले एक पैड़ी लेकर के इसके दोनों साइड हल्की हल्की सूखी मैदा लगा करके इसको चारों तरफ को हल्का हल्का पतला पतला फैलाना है। फैलाने का तरीका आप देख सकते हैं, इस तरीके से फैला सकते हैं या फिर हल्का हल्का सा बेल कर भी फैला सकते हैं। सूखी मैदा लगा करके इसको फैलाते समय ये फटती नहीं है। थोड़ा थोड़ा फैलाने के बाद ये देखिए, इस तरीके से आपको छोटी छोटी रोटियाँ बनाकर तैयार करनी है और इसको तलना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इनको तलूंगी। खस्ता कचौरी तलने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है भारी तल की कढ़ाई। कढ़ाई जितनी बड़ी साइज की होगी उतना ही बढ़िया रहेगा, खस्ता बनाने में आसानी रहती है। तेल को चेक करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ जरा सा आटा। आटा डालने के बाद आपको चेक करना है कि इसके चारों तरफ हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हल्के हल्के बबल्स आने के बाद यह तैयार का ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ खस्ता कचौरी वाली रोटी। तेल में खस्ता कचौरी तलते समय आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। जब आप तेल में खस्ता कचौरी की रोटी डालें तो रोटी एकदम तैर कर ऊपर नहीं आनी चाहिए। रोटी डालते समय इसके चारों तरफ हल्के हल्के बबल्स दिखाई दे रहे होंगे।
मैंने फिर से एक और स्टफिंग वाली पैड़ी ले ली है और इसके चारों तरफ लगा दिए सूखी मैदा। इसको भी मैं हल्का हल्का पतला पतला फैला रही हूँ। चारों तरफ को फैला करके इसको मैं डाल दूंगी कढ़ाई में। स्टफिंग रखते समय लोहे का मुंह बंद करा था वो साइड कढ़ाई में ऊपर रहनी चाहिए। शुरू से लेकर आखिरी तक आपको अपनी गैस की फ्लेम को रखना है लो। पूरे टाइम लो फ्लेम पर खस्ता कचौरी को बनाकर तैयार करेंगे। तेल के हिसाब से एक एक डाल करके मैं इसमें खस्ता कचौरियों को तलूंगी। ये देखिए धीरे धीरे करके जैसे जैसे खस्ता कचौरी ऊपर को आने लग रही है मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ तेल। इनके ऊपर तेल जितना ज़्यादा डालते जाओगे आपकी खस्ता कचौरी उतनी ही ज़्यादा फूलेगी। आप इसके ऊपर तेल पोनी से न डाल करके कलछी से भी डाल सकते हैं। गरम गरम तेल खस्ता के ऊपर डालते जाना। तेल डालते समय अगर आपको लगता है कि आपकी खस्ता कचौरी कोई सी फटने वाली है तो आपको उसे तुरंत पलट देना है। पलटने से खस्ता कचौरी फटने की नहीं है, उफलावट भी अच्छी सी बनकर आएगी। चारों खस्ता तैयार कर ऊपर आ चुकी है, मैं इनके ऊपर तेल डालने लग रही हूँ। जैसे जैसे मैं इनके ऊपर तेल डाल रही हूँ खस्ता कचौरी फूलने लग रही है। फूल फूल कर हमारी खस्ता कचौरी बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तेल आपको इनके ऊपर कंटिन्यू डालते रहना है। गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। चारों खस्ता कचौरी के फूलने के बाद मैंने इसमें एक और खस्ता कचौरी तलने के लिए डाल दी है। ऊपर आने पर मैं इसके ऊपर तेल डालूंगी और इसको भी फूलाऊंगी। ये देखिए हमारी सारी खस्ता कचौरी फूल चुकी है। मैं इनके ऊपर तेल डालती जाऊंगी और इसके ऊपर के परत को क्रिस्पी बनाती जाऊंगी। नीचे की साइड से ये सिक रही है और ऊपर की साइड से तेल डाल करके इसको सेकना है। आपको अपनी खस्ता को जब तक नहीं पलटना है तब तक इसके ऊपर की परत क्रिस्पी ना हो जाए। जैसे जैसे खस्ता के ऊपर तेल डालते जाएंगे खस्ता का कलर चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे खस्ता के ऊपर तेल गिरता जा रहा है यह सुनहरी होती जा रही है। कचौरी की ऊपर की लेयर हल्की सी सुनहरी हो जाने के बाद मैं इसको पलट दूंगी जिससे कि और ज्यादा सुनहरी हो जाए। सभी खस्ताओं पर बारी बारी तेल न डाल करके आप एक ही खस्ता पर तेल डालते रहें जिससे कि आपकी खस्ता जल्दी से सिक जाए। कचौरी की दोनों साइड सुनहरी हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी खस्ता कचौरी दोनों साइड से सुनहरी हो चुकी है। इनको मैं निकालूंगी कढ़ाई से बाहर। कढ़ाई में से बाहर निकाल करके इनको करना है एक प्लेट में और बाकी की खस्ता कचौरी को भी इसी तरीके से तलूंगी। एक बार की खस्ता कचौरी को तलने में 20 से 25 मिनट का समय लगता है। जितनी ज़्यादा मंदी आंच पर खस्ता कचौरी तली जाएगी आपकी खस्ता कचौरी उतनी ही ज़्यादा कुरकुरी बनकर तैयार होगी। कढ़ाई में से निकालते समय आप हमारी खस्ता कचौरी को देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फूली फूली मोटी मोटी खस्ता कचौरी बनकर तैयार हुई है। ये खस्ता कचौरी 15 से 20 दिन तक आसानी से करारी बनी रहेंगी। 15 से 20 दिन रखने के लिए अपनी इन खस्ता कचौरियों को जिप्लॉक बैग में करके एयरटाइट कंटेनर में रखें। फूली फूली खस्ता कचौरी जो एकदम कुरकुरी है, करारी है, खस्ता है, इनको आप आलू की सब्जी के साथ, चटनी के साथ, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। आपको हमारी खस्ता कचौरी देखने में बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे रही होगी जैसा कि मार्केट में मिलती है। मार्केट में मिलने वाली आलू की सब्जी के साथ खस्ता कचौरी देखने में बिल्कुल ऐसी होती है, बड़ी बड़ी और फूली फूली। हमारी मूंग दाल खस्ता कचौरी कितनी ज़्यादा करारी बनी है मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। करारी आवाज़ होने के साथ साथ मैं इसको तोड़ूंगी। तोड़ने में आपको इसका कुरकुरापन दिखाई देगा। आप इसके अंदर की स्टफिंग भी देख सकते हैं। स्टफिंग से भरी मूंग दाल खस्ता बनकर तैयार है। मूंग दाल खस्ता कचौरी जो देखने में यम और खाने में बहुत ज़्यादा यमी है, यह आपको और आपके मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस रेसिपी को एक बार बनाने के बाद आपके मेहमान आपके दीवाने हो जाएंगे। ऐसी और भी बहुत सारी सीक्रेट रेसिपियाँ हैं जो मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने वाली हूँ। उन सभी सीक्रेट रेसिपी को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सीक्रेट रेसिपी के साथ बनी मूंग दाल खस्ता कचौरी की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फूली फूली करारी करारी मूंग दाल खस्ता कचौरी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और अलग टाइप की रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।